यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम दर्ज कर वाले हैं GTA 5। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो सर आप लोगों को तो पता होगा कि अंडर वाटर माफिया और कैसे अंडर वाटर माफिया के नॉर्थ एंगटन वाले दोस्त ने कैसे माइकल की फैमिली को जो है किडनैप कर लिया था। और कैसे इसलिए लेसर का ये प्लान था कि यार अभी जो है अंडर वाटर माफिया के बेस में जाना है और कैसे उसको जो है खात्मा कर देना है। इसलिए कैसे मैं अंडर वाटर माफिया के बेस में गया और कैसे वहां पहुंचे अंडर वाटर माफिया तो पकड़ के लाया था, साथ में कैसे उसका जो नॉर्थ एंगटन वाला दोस्त था ना उसको भी कैसे मैं जो पकड़ के लेके आ गया था लेसर के बेस में। लेकिन कैसे लेसर ने अंडरवाटर माफिया से ये पता लगाया कि अभी जो अंडरवाटर माफिया ना जी माफिया के कहने पे गैसर माइकल की फैमिली को किडनैप किया था। और गैसर उस माफिया ने मतलब गैसर उस गैंग का जो नाम है वो है गैसर चूहा गैंग। अब गैसर ये जो चूहा गैंग है ना भाई साहब बिल में से निकाल के मारना पड़ेगा इसको। तो गैसर इसने अंडरवाटर माफिया को $100 मिलियन दिए थे, वो गैसर माइकल को फैमिली को किडनैप करने के लिए। इसलिए गैसर अंडरवाटर माफिया ने गैसर किडनैप कर लिया था। अब गैसर अंडरवाटर माफिया भाई पहले बता था तो भाई मैं उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देता, मतलब गैसर $100 मिलियन के लिए उसने जो है माइकल की फैमिली को किडनैप कर लिया था। लेकिन जैसे तैसे करके जो माइकल की फैमिली बच चुकी है, अब गैसे लमारी बच चुका है। अब गैसे अंडरवाटर माफिया ये बोल रहा था कि यार अभी जो चूहा गैंग है ना वो कैसे नॉर्थ एंगटन में रहती है, इसलिए गैसे मैं नॉर्थ एंगटन गया था और गैसे मतलब गैसे अंडरवाटर माफिया के साथ नॉर्थ एंगटन गया था और गैसे वहां जाकर क्या ही मैंने उनको भूत बनाया था। मतलब गैसे चूहा गैंग का जो बॉस था ना वो तो नहीं था, लेकिन गैसे मैं चूहा गैंग का जो बेस था ना मतलब गैसे पूरा का पूरा जो मेंशन था ना उसमें तबाही करके आ गया था। और गैसे उसके बाद ना मेरे पास मिलिट्री है कर्नल कॉल आई थी और गैसे कर्नल में से ये बोला था कि यार अभी ना जो जोकर है गैसे उसने तबाही मचा रखी है पर लॉस एंजेलिस में, मतलब गैसे वो ना बैंकों के अंदर जाकर चोरियां पे चोरी कर रहे हैं और गैसे वो ना बंदों को मारा साथ के साथ ही। मन लगा इधर ये जो जोकर है पता नहीं कौन ही है भाई साहब, अभी जो है इसका अता पता ही नहीं है ना ही गैसर लेसर इसका अता पता निकाल पाया भाई साहब। गैसे एक तो चूहा गैंग हुई है, अब पता नहीं गैसर क्या सीन है गैसर ये जो गैंग है ना ये चूहा गैंग हुई और गैसे एक जोकर हो गया ना भाई ये अपना मुंह तोड़वाएंगे, पता नहीं गैसर क्या ही करके मानेंगे। तो कोई नहीं गैसर अभी ना अपने शोरूम के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि गैसर आप लोगों को पता होगा कि गैसर एक बंदे ने हमको कॉल करा था और गैसर वो ये बोल रहा था कि गैसर अभी ने गाड़ी चाहिए उसको, वो भी गैसर एरनावोर में कन्वर्ट करानी है उसको अपनी गाड़ी। तो कोई नहीं गैसर यहाँ पर जो बहन में भी कर दी होगी गैसर यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को जल्द से भगाता हूँ। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर हम तो 1500 लाइक के लिए तो भाई पूरा करा देना। और गैसर अभी तक अगर सेकंड चैनल चेकआउट नहीं करता गैसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, उस पर GTA 5 टोल चलता हूँ। और गैसर मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना। तो जैसे निकलता हूँ अपने शोरूम के लिए, क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो तो कैसे अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा कैसे अभी अपने शोरूम में पहुंच चुका हूँ। यहाँ से बस अपने को जो राइट की तरफ लेना और एक सेकंड ये लाइफ गार्ड वाले बंदे भाई साहब हमारे शोरूम में से कहाँ निकलने भाई, अभी कुछ पूछताछ करने गए थे। तो कोई नहीं कैसे यहाँ पर भाई इनका तो एक मेरे को राज समझ नहीं आता, पता नहीं क्या सीन है, बट कोई नहीं कैसे अपनी जो गाड़ी एक सेकंड के लिए यहीं पर लगा था जल्द से। बाकी अगर ये गाड़ी मैंने अपने शोरूम से उठाई थी यहाँ पर मैंने लगा दी है और सामने की तरफ जो है वो मेरे को बैनी दिख चुका है। अब देखते हैं जो बैनी है उसने कहा वो जो गाड़ी वो मॉडिफाई करी भी नहीं करी। बाकी कैसे यहाँ पर जो है बैनी तो किसी बंदे से बात करने में लग रहा है, तो कोई नहीं सब बोलते कैसे यहाँ पर बैनी से जल्दी से बात कर लेता हूँ। तो क्या कैसे यहाँ पर मेरी बैनी से बात हो चुकी है। अब गैसर बैनी तो ये बोल के सामने तरफ जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है। अब गैसर इसी गाड़ी को मैं जल्द से लेके चलता हूँ। बाकी गैसे गाड़ी ओ भाई साहब गाड़ी मेरे को जो है सामने तरफ दिख चुकी है। ओ भाई साहब अबे गाड़ी कैसी लाया था मैं, कैसी बना दी भाई। अब भाई यार बैनी कितना ज़्यादा तगड़ा मैकेनिक है भाई, मान गया सही में। तो कोई नहीं गैसे यहाँ पर जो इसको जल्द से लेके चलता हूँ। और गैसे गाड़ी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है गैसे इसके अंदर, तो गैसे मुझे क्या लग रहा है गन वन भी जो है लगा दिए हैं। तो कोई नहीं ओ एक सिंगी गाड़ी फिसल कैसे भाई। ओ मैडम हट जाओ हट जाओ भाई साहब, कांटे वाटे लग गए ना तो अभी हालत ख़राब हो जाएगी। तो कोई नहीं गैसे गाड़ी कितनी तगड़ी है और भाई अगर मैं इस गाड़ी से किसी को टक्कर मारूँ ना तो गैसे उस गाड़ी की जो चीतड़े उड़ जाएंगे। तो कहते एक बार ट्राई तो करके देखूंगा देखूंगा। ओ ओ ओ भाई साहब अबे हल्की सी टक्कर लगी है भाई साहब, वो जो पोलो वाला है भाई दूर जा गिरा है। तो कोई नहीं सामने तरफ जो वो मेरे को गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही है। तो कहते इसमें जो है मैं ट्राई करके देखूंगा। अबे सारी की सारी मुड़ गए भाई, अबे क्या सीन होगा, डर के क्यों भाग रहे। ओके गाइस सामने तरफ एक गाड़ी उतरी है ऐसी की तरह भाई साहब, हल्की सी टक्कर लगी है और गाड़ी भाई साहब 200-300 किलोमीटर दूर जा गई है, लेकिन ज़्यादा दूर ओ भाई अबे हवा की तरह उड़ा दे रही है भाई। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो तो कैसे यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधे जो अभी कैसे उसी बंदे के मैं पहुँच चुका हूँ। बाकी कैसे गाड़ी कितनी तगड़ी है ना। तो कोई नहीं गैसर यहाँ पर जो बस राइट की तरफ लेता हूँ। ओ ओ एक सेकंड एक सेकंड भाई साहब ये गाड़ी अंदर तो जाएगी नहीं, तो गैसर इसके गैरेज में खड़ा कर देता हूँ। इसका ही गैरेज है क्या, मेरे को लग नहीं रहा भाई इसका गैरेज है, बट कोई नहीं गैसर यहाँ पर मैं जैसे गाड़ी को तो लगा दिया। भाई इसका गैरेज है किसी और का गैरेज है भाई साहब, जॉइंट तो यहीं हो रहा है, बाकी तो कोई नहीं। ओ भाई भाई सॉरी 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 भाई साहब मैंने जो थोड़ा धक्का दे दिया। अबे तेरी भैंस क्या, अबे पागल वागल तो नहीं हो गया, बजा दूँ अभी। अब निकल रुको रुको तेरी ऐसी की तेरी भैंस क्या बेटा, आराम से बोल रहा हूँ प्यार से, तू बाहर की तरफ आ। भाई साहब मैं जो है घर के अंदर लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, तो भाई अपनी जो है ना रेपुटेशन खराब करवा रहा है। ओ भाई जान कितनी ले रहा है भाई, तेरी भैंस क्या बेटा, जहाँ से आया ना वहीं बांट दूँगा। तो कोई निकल से यहाँ पर मैंने इसमें रख रख के बजा दिए। भाई हल्की सी तो टक्कर लगी थी भाई, इतनी ज़्यादा तो तगड़ी टक्कर लगी भी नहीं थी। तो कोई निकल से यहाँ पर जो वो तक जाओगे गए यहाँ पर ना मैं घर के बाहर लड़ रहा, अगर घर के अंदर जाके लड़ता मतलब गए इनके सामने तो भाई क्या ही अपनी इज्जत रह जाती। तो कोई सामने जो है
मेरे को आज तो भाई साहब यही दिख गया ना। तो कैसे मैं लास्ट टाइम आता तब तो भाई साहब जिम शिम कर रहा था, तो कोई नहीं कैसे यहाँ पर जो है इससे अपनी पेमेंट लेते हैं और जल्द से निकलते हैं। भाई फोन पे किससे ही बात कर रहा भाई। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो कैसे यहाँ पर जो है इसने मेरे को पेमेंट कर दिया होगी 10 मिलियन डॉलर की। कैसे काफी बढ़िया सीन हो चुका है और कैसे अभी ना मैं सीधा लेस्टर के पास निकल रहा हूँ क्योंकि कैसे लेस्टर की मेरे पास खुल रही है। जल्द से जल्दी आ जाओ अभी कैसे जल्द से जल्दी निकलते हैं। बाकी कैसे यहाँ पर जो है इसी गाड़ी मैंने इधर की तरफ लगा दी भाई, ये गैरेज इसी का है किसी का है बट छोड़ते हैं यार अपना देख लेगा। वैसे वैसे मैंने इसको बता दिया। ओ भाई भाई एक सेकंड यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ चुकी है। इस बंदे को मैंने क्या कूट दिया। ओ भाई तेरी ऐसी की तरह जल्दी से छोटी सी पिंटू सी गाड़ी है यार। अबे यार ये गाड़ी पहुंच भी जाएगी क्या? तो कोई नहीं कहा जल्दी से इसको लेके निकलते हैं मतलब इसी गाड़ी को भाई साहब। अबे ऐसी गाड़ी तो आई थिंक अमांडा के पास है या ट्रेसी के पास है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो कैसे यहाँ पे जो है मैं अपनी मिनी कूपर को लेकर सीधा कैसे अभी जो लेस्टर के बेस में पहुँचने वाला पहुँचो यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को साइड में लगा तो जल्द से उसने लेस्टर के बेस में चलते हैं और देखते हैं जो लेस्टर को क्या ही बताने चल रहा है। बाकी अगर यहाँ पर जो है लेस्टर का बेस जो है कितना ज़्यादा खतरनाक है ना, मतलब अगर कितने सारे बेस जो है ये अपने चेंज करता रहता है। ओके यहाँ पर जो है लो भाई साहब यहाँ ये बैठा हुआ और अंडर वाटर माफी इतना उदास कैसे बैठा हुआ भाई, क्या सीन हो गया भाई, पीट वीट के बैठ रखा है क्या? तो कोई नहीं। और एक सीन ये मैडम जी कौन बैठी हुई है मे बी गजर ये जो लेस्टर के अंडर में काम करते होंगे। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो गजर यहाँ पर मेरी लेस्टर से तो बात हो चुकी है। अब गजर आप लोगों को पता हो कि यार जब माइकल की फैमिली किडनैप हुई थी ना, मतलब जब अंडर वाटर माफिया ने माइकल की फैमिली को किडनैप किया था तब गजर अंडर वाटर माफिया और गजर अंडर वाटर माफिया के नॉर्थ एंड वाले दोस्त ने यह कहा था कि गजर तुम्हारी फैमिली को तब छोड़ेंगे जब गजर एक गोल्डन स्टैचू दे दोगे, मतलब गजर गोल्डन मंकी दे दोगे। अब गजर मैंने अंडर वाटर माफिया गोल्डन मंकी तो दे दिया था, अब गजर वो जो मंकी ने गजर अंडर वाटर माफिया ने एक बंदे को फेंक दिया और गजर वही जो बंदा वो है गजर चूहा गैंग का बॉस। अब गजर ये जो चूहा गैंग का बॉस है मैं तो सोच रहा था गजर छोड़ते हैं लेकिन गजर अब जो है इससे बदल लेने का टाइम आ चुका है। जैसे तैसे करके जो है गजर मेरे को अपना जो गोल्डन मंकी स्टैचू है वो तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि गजर वो जो गोल्डन मंकी स्टैचू है ना गजर इतना ज़्यादा महंगा है और गजर हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि गजर अब जो है शोरूम खरीदेंगे गजर या कुछ खरीदेंगे। और गजर लेसर ये बोले गजर वो जो मंकी है वो गजर जैसे तैसे करके जो है हमको वापस से चाहिए बट कोई नहीं गजर यहाँ पर जो लेसर की गाड़ी को जल्द से लेके चलता हूँ। और भाई साहब लेसर ने गजर पहली बार जो है थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर दिया है। अभी गजर लेसर ये बोले गजर एक ना लेसर की फ्रेंड है जो कि गजर चूहा गैंग के बारे में जानती है। अब गजर सर तो ये बोला कि तुम उससे एक बार जाकर मिल लो क्योंकि गजर वो उसने खुद ही बोला माइकल को अपने घर पे। अभी चल के देखते क्या सीन है। बाकी गजर वो जो उसका घर ना गजर पैलेटो की तरफ है। गजर ये चूहा गैंग है ना गजर ये भाई बिल में से निकाल के मारना पड़ेगा। और गजर ये जो अंडर वाटर माफिया भाई कितना ज्यादा चालू इंसान है, मतलब गजर अंडर वाटर माफिया ने 100 मिलियन डॉलर तो लिए नहीं है साथ में गजर चूहा गैंग का काम भी कर रहा है। तो गजर आप लोगों को पता हो क्या हमारे पास जो है चूहा गैंग का बॉस का भाई है। अब गजर वो जो नीचे कालकोटरी में हमने उसको बंद कर रखा है, मतलब कालकोटरी बोल रहा हूँ भाई मैं, मतलब एक तरीके का बेस है। और गजर उसकी देख रेख मतलब ट्रैवल कर रहा है, मतलब देख रेख कर रहा है भाई उसके अच्छी तरीके से कुटाई चल रही है। अब गजर वो जो भाई है ना गजर उसको जो हम काफी फायदा उठा सकते हैं। और गजर चूहा गैंग के बॉस ने अगर गजर हमको जो है वो गोल्डन स्टैचू नहीं दिया ना तो सीधी सी बात है गजर उसके जो भाई है उसके मत्थे पे गोली मारेंगे और उसको खेल खत्म करेंगे भाई, इतना ज्यादा सोचने का नहीं है। तो कोई नहीं गजर यहाँ पर अपनी गाड़ी को जल्द से भगाता हूँ उसके गजर जो पैलेटो में निकलते हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो गजर अपने एसवीजे को भगाता सीधा गजर अभी ना पैलेटो पहुंच चुका हूँ। गजर काफी ज्यादा टाइम लग भी चुका है और गजर ये जो एसवीजे ना गजर फ्रैंकलिन की गाड़ी से, मतलब फ्रैंकलिन के पास भी एक लैम्बोर्गिनी है उसके साथ थोड़ी बहुत सिमिलर है बट कोई नहीं गजर उसके ऊपर ना डायमंड बन रहे थे गजर इसके ऊपर नहीं बन रहे बट कोई नहीं गजर यहाँ पर जो पहुंच तो चुका हूँ। बाकी अगर आप लोग जो ये घर देख पा रहे हो तो गजर ये जो है पहले गजर रेंट वाला घर हुआ करता था, अब गजर जो लेसर है उसने गजर ये जो घर है मतलब रेंट वाला घर था पहले लेकिन गजर लेसर ने इसको परमानेंट खरीद लिया है। और गजर यहाँ पर जो अब लेसर की फ्रेंड रहती है तो कोई नहीं गजर यहाँ पर ऊपर की तरफ जल्द निकलता हूँ और देखना पड़ेगा कि जो लेसर की फ्रेंड वो क्या ही बताना चाह रही है। एक सेकंड यहाँ पर जीने किधर की तरफ है भाई, यहाँ पर भाई इतना छोटा सा घर है ना ये भाई पूरा भिच्चा भिच्चा सा हो रखा है। ओ एक सेकंड जीने किधर की तरफ है भाई सब कोई बताएगा मेरे को? तो कोई नहीं गजर यहाँ पर और ओ भाई साहब यहाँ पर भाई और भी बंदे बंदे आ रखे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो कोई नहीं गजर जल्द से ऊपर की तरफ निकलते हैं। लेसर ने गजर ऊपर की तरफ ही बोला था कि गजर उसका जो रूम है ऊपर की तरफ ही होगा। ओके सामने से जो है वो मेरे को लेसर की फ्रेंड दिख चुकी है। अभी गजर यहाँ पर जल्द से बात कर लेता हूँ और पूछता हूँ क्या सीन है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो गजर यहाँ पर मेरी लेसर की फ्रेंड से बात हो चुकी है। अब गजर लेसर की फ्रेंड ये बोले गजर चूहा गैंग को वो काफी सालों पहले से जानती है क्योंकि गजर चूहा गैंग के बॉस ने गजर इसके भाई को मरवा दिया था। अब गजर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा गजर क्या ही रीजन था लेकिन गजर ये लड़की बोल रही है। गजर लेसर की फ्रेंड ये बोल रही है गजर ये काफी अच्छा टाइम है गजर अपने भाई का बदला लेने का। अब गजर लेसर की फ्रेंड यही बता रही है गजर एक ना बंदा है जो कि गजर
जो हाँ गैंग में पहले काम कर चुका है, अगर कैसे मैंने उसको पकड़ लिया तो कैसे यहाँ पर काफी बढ़िया सीन ये हो जाएगा कि कैसे वो जो हमको सब कुछ बता देगा चूहा गैंग के बारे में। लैसे की फ्रेंड ने मेरे को उस बंदे के बारे में बता दिया है, तो कैसे उस बंदे का ना कैसे आसपास यहाँ पर पैलेटो में कहीं ना एक गैरेज है। अब कैसे वो जो बंदा ना कैसे चूहा गैंग में काम कर चुका है, अब कैसे मेरे को ये समझने की कैसे पहले अगर चूहा गैंग में काम कर चुका है तो भाई उसने चूहा गैंग क्यों ही छोड़ी है। बट कोई नहीं, कैसे एक बार जो जल्द से चल के देखते हैं और कैसे अभी ना उसके गैरेज में निकलता हूँ और कैसे अगर जितने पॉसिबल हो पाएगा ना उससे पूछ लूंगा मैं कि भाई जल्द से बता दे चूहा गैंग के बारे में, अगर नहीं बताएगा तो भाई साहब अपना देश इकट्ठा चलेगा। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर जो अपनी एसबी को जल्द से भगाता हूँ मैं और वहीं जाकर देखें क्या सीन है। मतलब कैसे मुझे क्या लग रहा है चूहा गैंग से परेशान होकर ना उसने कैसे अपना जो एक गैरेज खोल दिया होगा, यहाँ पर कैसे थोड़ा बहुत कमा रहा होगा। तो कोई नहीं, कहा यहाँ पर जो अपनी एसवीजी को भगाते हैं और कैसे गाड़ी कितनी ज़्यादा तगड़ी है। लेसर ने कहा सर पहली बार पैसा खर्च करा है, लेसर वैसे करते नहीं है, कभी एसयूवी एसयूवी लेकर घूमता रहता है। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर जल्द से भगाते अपनी गाड़ी को। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर जब अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधे कैसे अभी ना उसकी गैंग के मतलब कैसे उसके गैरेज पहुँचने वाला हूँ। वो कैसे यहाँ पर जो बस अपने को राइट की तरफ लेना है और कैसे यहाँ पर जो उसका गैरेज आ जाएगा। बाकी कैसे मैं जो अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो तेज से भगाते हुए ला रहा हूँ, मैं सर गाड़ी को सिंगली यहीं पर लगा आता हूँ जल्द से, और अंदर की तरफ चल के देखना पड़ेगा। बाकी का सर इसने जो अपना गैरेज भाई कितना ज़्यादा बड़ा बना रखा है, भाई गैरेज कहाँ से लग रहा है भाई, ये तो मेरे को एक तरीके से शोरूम लग रहा है। बट कोई नहीं, यहाँ पर एक बंदा सामने की तरफ काम कर रहा है, तो कोई नहीं कैसे यहाँ पर से बात कर लो, ये बंदा है क्या? नहीं यार, ये तो किसी टाइप का वर्कर लग रहा है। तो कैसे मन तो ऐसा कर रहा है कि कैसे यहाँ पर इसको यहीं कहीं जो है रैप्टे रैप्टे बजाऊँ, लेकिन कैसे ये जो बंदा नहीं ये बोल रहा है ऊपर की तरफ जाकर देख ले अंधा बंदा आएगा। मतलब भाई किस हिसाब से बात कर रहा है भाई, भाई साहब चूहा गैंग में हो गए भाई, मेरे को क्या लग रहा है कैसे यहाँ के बंदों को कुछ ज़्यादा अकड़ा चुके हैं। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ जो है मैं ऊपर की तरफ से आ चुका हूँ। लो भाई साहब जी ऑफिस में बैठा हुआ अपना मजे से। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर इससे पूछना पड़ेगा। अबे भाई, अबे ये क्या सीन हुआ भाई, मैंने तो हल्का सा टच ही किया था, गेट नीचे की तरफ टूट के गिर गया भाई, मैं कैसे नकली काम करवा रखा है। तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर जिस से बात कर रहा हूँ भाई साहब गजर ये लग भी रहा है, कोई ऐसे लग रहा है जैसे फौजी वौजी में आर्मी वार्मी का बंदा है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो गजर यहाँ पर जैसा मैंने सोचा था वैसे हुआ है। अब गजर ये जो बंदा ये बोल रहा है कि तुम कौन हो कहाँ से आए हो, और ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाला है। और गजर ये बोल रहा है कि चूहा गैंग मैंने काफ़ी महीनों पहले जो है छोड़ दी थी, अब गजर इससे ज़्यादा ये बता ही रहा है। और उसे मैंने इसे ये पूछा है कि कैसे चूहा गैंग के बारे में बता दे कौन है कहाँ पर रहती है। तो गजर मेरे को पक्का पता है इस बंदे को कुछ ना कुछ तो पता होगा चूहा गैंग के बारे में। अब गजर इसने साफ मना कर दिया है कि पहली फोर्स तो मेरा शोरूम खाली कर दे। अब गए यहाँ पर भाई कोला वोला मार लो कहेगी, मैं उसमें पहले गला ठंडा कर लेते हैं, तब गए यहाँ पर इसका भूत बनाएंगे। भाई साहब जी कोला मशीन खराब हो रखी इसकी भैंस की, बेटा किस हिसाब से तूने अपने शोरूम खोल रखा है। तो कोई नहीं, गए यहाँ पर जो मैं लास्ट टाइम और पूछूँ, अगर इसने बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कह सर यहाँ पर जो पीछे की तरफ तार दिख रहे ना। ओके, जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कह सर ये जो बंदा भाई मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा। अब भाई मैं सोच रहा हूँ कह सर इसके साथ क्या ही किया जाए। बेटा तेरी भैंस की, अबे तेरी ऐसी की तैसी, अबे चक्कू निकाल लिया, रुक रुक रुक, अबे भाई साहब एक सेकंड रुक जा रुक जा रुक जा भाई, अबे रुक रुक रुक, इसकी ऐसी की तैसी। मैं सोच रहा था कैसे यहाँ पर इसको न मारूँ, लेकिन कह सर यहाँ पर जो है मेरे को अपना हथियार चलाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं भी अपना देसी हथियार निकालता हूँ। बेटा तेरे पास चक्कू है, मेरे पास कुल्हाड़ी है, आ जा बेटा आ जा, दो दो हाथ हो जाए। ओ भाई साहब, अबे भाई साहब क्या सीरी ले तेरी, अबे रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, बेटा तू मेरे को हल्के में ले रहा क्या? बेटा नकली हथियार नहीं असली हथियार है, बेटा नचा दूँ तेरी ऐसी, उठा तू। भाई साहब मतलब मैंने दो बातें कर ली भाई, ज़्यादा कुछ उड़ने नहीं लग गए, उठा तू। गलत है इसका भी जो मैंने पिछवाड़ा सुझाव दिया, लेकिन गलत जान बहुत ज़्यादा ले रहा है ये, जान काफ़ी ज़्यादा है। बेटा आज सूट आज मैं जो है ना इसको दर्शन कराता हूँ। ओ भाई और तेरी ऐसी तैसी, भाई सब कितने ज़्यादा चक्कू मारेगा। ओ ओ एक सेकंड रुक जाओ, गलत यहाँ पर मैं अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, किधर की तरफ है तेरी ऐसी की तैसी। ओ भाई बेहोश हो गया, वो बहुत अच्छा हो गया गलत यहाँ पर बेहोश हो गया। तो गलत इसने मेरे को बता दिया कि गलत अभी जो चूहा गैंग का बॉस कहाँ पर मिलेगा। अब गलत जो चूहा गैंग का बॉस है ना, एक घंटे के अंदर अंदर वो गए जो स्टैचू है ना, गलत इसकी डीलिंग करने के लिए गैम्बलिंग करने जा रहा है। मतलब अगर कैसीनो बोल सकते हैं तेरी ऐसी, ओ तेरी है, निकल यहाँ से पहली फोर्स में। भाई साहब इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, अब गए सर एक घंटा बोला था, अब गए सर मैं पैलेटो की तरफ हूँ और गए सर यहाँ से टाइम तो लग ही जाएगा जाने में। अबे तुम्हारा अबे निकलो जल्दी से तेरी। अबे भाई साहब अबे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई ये, रुको 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 भाई साहब, इसने अपने बंदे बंदे बुला लिया क्या, रुको तुम्हारी। अबे डर भी तो नहीं रहे भाई कि नक असली गाने भाई, अबे डर वर कैसे नहीं रही तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। अब क्या हो रहा, एक सेकंड रुक जाओ। अबे भाई साहब तुम बेटा इतने बड़े हो क्या, मतलब मेरे को मारोगे, मैं देसी कट्टे से नहीं डर रहे भाई, क्या करके मारोगे तेरी, तू भी निकल यहाँ से। भाई साहब बदमाशी गिर करवा दूंगा। भाई साहब यहाँ पर जो मैंने चारों के चारों बंदों को जो सुला दिया है, गजर यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट हो चुका है। अभी गजर यहाँ पर जो है मैं सीधा गैम्बलिंग के अड्डे पर निकलता हूँ। मतलब लगा सर कैसीनो के अंदर, मतलब लगा एक है ना अलग तरीके कैसीनो है। ओ भाई साहब मैं किस हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी जल्दी से एसवीजी को भगाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि गजर यहाँ पर जो मैं लैसे गाड़ी लेकर आ गया था, अगर गए वो पिचकारी सी गाड़ी लेकर आता तो गजर यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो कोई नहीं, गजर यहाँ पर जल्द
जल्दी से SVG को मार। ओ भाई साहब अब एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। गैजर काफी ज्यादा तगड़ तगड़ को मारा भाई यहाँ पर, कट मारते हुए सीधा निकलता है गैजर गैम्बलिंग के अंदर। क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो यहाँ पर SVG को भगाता भगाता सीधा गैजर अभी ना मतलब उसी गैम्बलिंग में पहुंचने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या सीन रखा भाई, ओ भाई साहब यहाँ पर तो कैसे जोकर्स की लड़ाई हो रही है। मैं उतर के मारूंगा एक को, हमारी भैंस क्या रुक लो सारी सारे यहाँ से। ओ भाई भाई सॉरी 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 भाई, मैं यहाँ पुलिस वालों बजाती है हमारी ऐसी की तहसी बेटा। एक जोकर को तो मार जाऊँगा, एक ही रही यार तू, तेरी ऐसी की तहसी बेटा तुम्हारी हल्के में ले रोका, तेरी भैंस क्या निकल यहाँ से। ओ ओ भाई सभी तो कैसे मेरे में भरने लगे, भाई मैं पुलिस वालों को क्यों ही मार रहा हूँ। तो कैसे यहाँ जैसे निकलते हैं क्योंकि कैसे यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा देर रुकूँ ना तो कैसे यहाँ पर अपना ही टाइम वेस्ट होने वाला है। और वैसे वो बंदा का सर एक घंटे के अंदर अंदर फिर दोबारा से नॉर्थ एंड में चला जाएगा, क्या पता किसी और सिटी चला जाए। और वैसे इतनी मुश्किल से गाइस वो जो है लॉस सैंटोस है। और कैसे यहाँ पर तो मैं उसको पकड़ने वाला हूँ, पकड़ने वाला हूँ क्या भूत बना दूँ। क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो तो कैसे अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा गाइस अभी ना मतलब उसी कैसिनो के बाहर आ चुका हूँ। अपनी गाड़ी को एक सिंगल पे लगा तो जल्द से उसी तरह से अंदर की तरफ निकलते हैं और देखना पड़ेगा बाकी गाइस यहाँ पर भाई सब इन्होंने क्या सीन कर रखा है। किसी को भाई कुछ पता नहीं चलेगा कि गाइस यहाँ पर जो गैम्बलिंग भी हो सकता है। ये गाइस मेरे को रोकने वाले बिल्कुल भी नहीं है, बट कोई नहीं। ओ एक सेकंड तो कोई नहीं भाई साहब क्या सीन कर रखा है भाई, कितना ज्यादा तगड़ा सीन कर रखा है। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करता हूँ, देखते हैं यहाँ का मालिक किधर की तरफ है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो गाइस इस बंदे ने मेरी सारी सारी जो गन्स है वो रख लिया है। अब गाइस ये बंदा बोले कि अगर तुम्हें नीचे की तरफ जाना है क्लब में, मतलब गाइस जहाँ पर गैम्बलिंग का काम चल रहा है वो नीचे की तरफ है। अब गाइस सारी सारी जो गन्स है वो तो रख लिया है। तो कोई नहीं गाइस जल्द से नीचे की तरफ निकलता हूँ। गाइस इन्होंने बना कर रखा भाई कितने सारे बाउंसर्स लगा रखे हैं। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर मैं इनको मारने की सोच भी नहीं सकता, मेरे पास एक भी गन नहीं है और यहाँ पर इन्होंने जो है ना मेरी गन रख ली है। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जल्द से नीचे की तरफ निकलता हूँ। और जो चूहा गैंग का बॉस है ना वो कैसे नीचे की तरफ ही होना चाहिए। और कैसे वो है ना स्टैचू को लेकर अपना कैसे यहाँ पर ना डीलिंग कर रहा था, मतलब डीलिंग करने के लिए आया है। तो कोई नहीं कैसे मुझे क्या लग रहा है कैसे वो किसी और बंदे को बेच रहा होगा। बाकी कैसे यहाँ पर जो भाई साहब नाच गाने चल रहा है, तो कोई नहीं कैसे यहाँ पर नाचने गाने देते हैं। और यहाँ पर देखना पड़े ओ ओ ओ भाई भाई भाई, तो सामने तरफ जो है वो मेरे को कैसे बॉस तो दिख चुका है, यही मेरे को VIP लॉन्ग दिख रहा है। बाकी कैसे यहाँ पर जो है ना कितने सारे बाउंसर्स खड़े हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो तो गाइस सामने की तरफ है ना सोफे वोफे रखे हुए हैं और गाइस इन्हीं के ऊपर जो है चूहा गैंग का बॉस बैठा हुआ है। अब गाइस यहाँ से इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा, तो कोई यहाँ से अंदर की तरफ जाने देंगे, मेरे को नहीं लग रहा है गाइस ये जाने देंगे। तो क्या यहाँ पर मेरे इसके चेले से बात हो चुकी है और गाइस ये बंदा बोल रहा है कि अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अभी गाइस बॉस जो है वो किसी और से बात कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, गाइस यहाँ पर सामने की तरफ आप लोग जो देख पा रहे हो गाइस स्टैचू मेरे सामने रखा हुआ है, आपके सामने व्हाइट सा टेबल है गाइस, उसके ऊपर जो है गोल्डन मंकी रखा हुआ है। गाइस गोल्डन मंकी तो लेके जाऊँगा साथ में इसका भूत बना हुआ, लेकिन गाइस मेरे पास अभी एक भी गन नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि गाइस क्या करना चाहिए। अब गाइस यहाँ पर इतना ज्यादा इन्होंने म्यूजिक लाउड कर रखा है ना, पता नहीं क्या सीन है भाई, थोड़ा मंदा ही कर ले यार, पता नहीं क्या करके मानेगा। बाकी गाइस यहाँ पर मेरे को क्या लग रहा है, एक तो गाइस मेरे पास एक आइडिया का है तगड़ा। तो गाइस सामने तरफ जो आप लोग सिक्योरिटी गार्ड देख पा रहे हो ना, इसके हाथ में गाइस पिस्टल रखी हुई है। गाइस एक पिस्टल मेरे हाथ में आ जाएगी ना गाइस तभी मैं चूहा गैंग के बॉस का मत्था तोड़ दूंगा, तेरी ऐसी तैसी निकले यहाँ से। एक घूस में गाइस मैं जो इसको बेहोश कर दे और गाइस मेरे हाथ में जो है गन्स आ चुका, काफी बड़े सीन हो चुका है। तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी जो है यहाँ पर कोई भी नहीं आया, वो तो अच्छा हुआ। ओ भाई सब किसी को कुछ पता नहीं चला, और गाइस यहाँ पर कैमरे भी नहीं है। गाइस मैं गन अंदर की तरफ रख लेता हूँ और सीधा आग की तरफ निकलता हूँ। मतलब गाइस चूहा गैंग का बॉस है उसके मत्थे पे गोली मारूंगा। गाइस यहाँ पर उससे बात करनी बेकार है, तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर कि यार मैंने जो है वो गाइस जीनो पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको जो बिछा दिया है। बाकी गाइस यहाँ पर इतने सारे बाउंसर्स लगे हुए हैं, तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर कवर ओवर का भी देखना पड़ेगा। और जैसे मैं जो ना आर्मर वार्मर पहन गया था तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ ओ एक सेकंड सामने तरफ जो वो मेरे को गैंग के बंदे दिख रहे हैं और जैसे वो किसी और बंदे से बात कर रहा है, तो उसको शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं थोड़ा ना अपनी निगाहें इधर की तरफ कर लेता हूँ, क्या पता उसको शक ना हो जाए। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो तो गाइस कम से कम आधे से एक घंटा हो चुका है। अब गाइस इनकी जो है मीटिंग ही खत्म नहीं हो रही। गाइस यहाँ पर जो है तुम्हारी ऐसी की तहसी, तेरी भैंस आग निकल यहाँ से। तो गाइस इसमें तो मैंने भर दिया, अच्छा बेटा इतने बड़े होकर तो निकल तेरी है तू भी निकल। और गाइस यहाँ पर जो है मैंने इसका मतलब सुझा दिया है। गाइस यहाँ पर ओ भाई भाई कवर एकदम जस्ट है। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पर आग तक मच चुका भाई। ओ भाई साहब अबे किसी के हाथ में ऑटोमेटिक गन नहीं है क्या यहाँ पर? गाइस मैं जो पिस्टल से चला रहा हूँ काम, तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर तुम्हारे मैंने काफी अच्छे तरीके से भरने स्टार्ट कर दिए। गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा कवर लेता हूँ। ओ ओ एक सेकंड तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से, इसके भी जो मैंने छाती फाड़ दिया बेटा, मेरे लिए एक पिस्टल ही काफी है। ओ तेरी भैंस तू भी निकल। और इसका भी जो मैंने मत्था सुझा दिया बेटा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे तो मैंने मार दिए। ओ ओ एक सेकंड, तो गाइस यहाँ पर इससे पहले कोई और
बनता है, मेरे को ये जो गोल्ड मंकी जल्द से लेके चलना पड़ेगा। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो मैंने गोल्ड मंकी रख लिया, कितना वो अभी तुम क्या करो नचवा दो एक सेकंड, अभी इन्होंने कौन से नशे कर रखे हैं? तो तू पहले डीजे बंद कर, इतनी देर से जो इतनी तेज आवाज में डीजे चला था तेरी ऐसी तेज हटिया से। ओके गाइस यहाँ पर जो मैंने भर तो किया है, अभी गाइस जल्द से निकलता हूँ। गाइस यहाँ पर चूहा गैंग के बंदों को मैंने जो खेल खत्म कर दिया, मतलब चूहा गैंग के बंदों क्या चूहा गैंग का बॉस आई थिंक। गाइस यहाँ पर काफी बढ़िया सीन कर दिया। ओ आगे तरफ कोई तो नहीं है ना, जैसे यहाँ पर सारे अबे गार्ड्स खड़े हुए थे। अच्छा बोरे तुम, अबे मैं तुमको ही देख रहा था भाई, मैं तुमको देख रहा था। तो किधर किधर वो गो के गाइस यहाँ पर, अबे इनकी दीवार मुझे लग रहा है करंट है। बाकी अच्छा यहाँ पर तुम करंट लग चुके। ओ एक सेकंड किधर से मार रहा भाई, ओ रहा वैसे भी इसको मैंने सीना फाड़ दिया। वैसे जल्द से बाहर तरफ निकलता हूँ। ओ बाहर की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ था, तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर काफी तुम्हारे भाई ने बढ़िया सीन कर दिया। और एक बंदा गाइस मेरे को लग गोली चलाता और देख रहा है, बेटा किधर किधर मैं शक्ल तो दिखा दे। ओ वो रहा अबे तेरी ऐसी तैसी निकल। अच्छा इतना बड़ा हो गया, मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी। गाइस यहाँ पर काफी बढ़िया सीन मैंने ये कर दिया है। पहले तो गाइस अपनी गाड़ी को मोड़ता हूँ, उससे गाइस एक ना अलग जगह पर निकलना पड़ेगा। अगर मैं इसी रास्ते जाऊँगा क्या पता गाइस पुलिस आगे से मिल जाए। और गाइस यहाँ पर काफी बढ़िया सीन ये हो चुका है। गाइस मैंने जो गोल्डन मंकी था ना वो ले लिया है। गाइस इसकी जो कीमत है वही गाइस 1,000 मिलियन डॉलर है। अब गाइस यहाँ पर जो चूहा गैंग का जो बॉस है उसका भी खात्मा हो चुका है, और गाइस सारी जो काम है वो भी ठीक हो चुका है। तो गाइस चूहा गैंग के बॉस का तो खात्मा कर दिया है। तो गाइस आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस जोकर का खात्मा कैसे करना चाहिए। अब गाइस मैं तुरंत ना लेसर के पास भी कॉल करके बता दूंगा कि गाइस मेरे को जो इस वो स्टैचू है ना वो मिल चुका है। अब गाइस लेसर भी जो है मतलब राहत की सांस लेगा। बाकी गाइस लेसर इतना ज्यादा परेशान लग रहा था मेरे को, मुझे तो लग रहा था गाइस लेसर पागला ना जाए, क्योंकि गाइस वो जो आप लोगों को पता होगा कि गाइस पैसों के लिए कितना ज्यादा पागल इंसान है। तो चलो गाइस आई थिंक आज की वीडियो बस इतना है। वीडियो को अच्छी लगी अच्छी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।